अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पिनाटा केक। पिनाटा केक के बच्चों की बहुत दिनों से फरमाइश आ रही थी, हम आज आपको पिनाटा केक किस तरह बनाना बताते हैं। तो ये हमने सिलिकॉन का मोल्ड ले लिया है, ये मार्केट में जहाँ पर बेकरी का सामान मिलता है वहाँ पर आसानी से मिल जाता है। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। आप चाहे तो आपके पास अगर ये सिलिकॉन मोल्ड ना हो तो आप कोई भी बॉल में भी इसे सेट कर सकते हैं। तो हमने एक हार्ड वाला ले लिया है और एक गोल वाला। तो चलिए, हम वाइट चॉकलेट से बना रहे हैं तो हमें 250 ग्राम वाइट चॉकलेट लगेगा। तो हमने इसे बारीक कतर दिया है छुरी से, इसको इस तरह से देखिए, इसको हमने बारीक कतर दिया है और इसे हम माइक्रो ओवन में 30 से 40 सेकंड ही मेल्ट करेंगे। इसको हम आपको हमने डबल बॉयलर में भी किस तरह मेल्ट करना है तो हम चॉकलेट की रेसिपी में डाल चुके हैं कि किस तरह चॉकलेट को मेल्ट करना है। तो हम अभी माइक्रो ओवन में कर रहे हैं। तो चलिए, हमें इसमें पिनाटा केक में रखने के लिए हमें केक लगेगा। तो हमने बस ये स्पंजी केक बनाया है, हमने छोटा सा बिल्कुल आधे कप मैदे के हिसाब से बनाया है हमने ये। हमने बस एक कप व्हिपिंग क्रीम ली थी और उसे बीट कर दिया है। बस हमें इस पर इसको सिंपल ही रखना है। तो हम इस पर क्रीम लगा लेंगे और हमने आधा कप पानी में थोड़ा सा पाइनएप्पल सिरप डाल दिया है और उस पर हम फिर इसका पानी डालेंगे। चलिए, इसे दो स्लाइस में कट कर लेंगे हम। देखिए, हमने इस पर व्हिपिंग क्रीम लगा दिया है। अब इसे हम थोड़ा फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए। देखिए, हमने इसको 1 मिनट लगा इसे मेल्ट होने के लिए। ज़्यादा था हमारा चॉकलेट तो इसलिए हमने इसको 1 मिनट तक, माइक्रो ओवन को 1 मिनट तक रखा। हमने नीचे एक बाउल में पानी ले लिया है गर्म, इस पर हम रख कर ये बाकी का और थोड़ा मिक्स कर देंगे। देखिए, ये अब हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। ये अब हम पिनाटा केक के मोल्ड में डाल देंगे इसको। हमें अच्छे से इसका जो बॉल बना रहे हैं हम वो अच्छे से ठीक बनाना है। तो इस तरह से देखिए, इसे हम घुमाते हुए चारों तरफ से हमारा चॉकलेट हर जगह हर कोने में पहुंचना चाहिए। हमें 3 बार करना है तभी जाके हमारा पिनाटा केक अच्छा बनेगा। ये बाकी का हम इसमें निकाल लेंगे। हमने पूरे चारों तरफ इसके लगा लिया है, इसे अच्छे से कवर कर दिया है चॉकलेट से। तो चलिए, इसे 6 से 7 मिनट हम फ्रीज़र में रखेंगे, इसे 6 से 7 मिनट सेट होने के लिए। फिर और एक बार इसमें चॉकलेट डालेंगे। तो चलिए, अब ये हार्ट वाले पिनाटा में बनाने के लिए हम इसमें ओरियो बिस्किट डालेंगे अंदर। तो चलिए, अब हम ओरियो बिस्किट को हल्का हल्का कूट लेंगे। हमने ओरियो बिस्किट को थोड़ा सा क्रश कर दिया है हल्का से। चलिए, सबसे पहले हम इसमें चॉकलेट लगा लेंगे, वाइट चॉकलेट। इसको भी 5-6 मिनट फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए। देखिए, ये हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें हम सेकंड वाला लेयर जमा लेंगे, सेकंड वाली। बस हमें एक अच्छी मोटी कोटिंग करना है इसमें ताकि हम जब इसको निकालें तो ये हमारा टूटे नहीं। देखिए, इसको भी हम 2 से 3 मिनट ही रखेंगे।
फिर बाद में तीसरी लेयर भी लगा देंगे। देखिए ये हमारा हार्ड वाला भी अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें हम और दूसरी बार भी अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। देखिए इसमें सेकंड लेयर भी सेट हो गई है। अब ये थर्ड वाली लगा देंगे हम। ये थर्ड लेयर भी हम लगा दिए हैं। इसको भी 2 से 3 मिनट ही सेट होने के लिए रख देंगे। फिर दूसरा वाला भी हम बना लेंगे बाद में। अब इसमें हम व्हिपिंग क्रीम मिला देंगे। देखिए हमने 1/2 कप इतना व्हिपिंग क्रीम ले लिया है। आप जो पसंद हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बच्चों को ओरियो बिस्किट बहुत पसंद होते हैं तो इसलिए हम इसमें ओरियो बिस्किट वाली क्रीम भर रहे हैं इसके अंदर। चॉकलेट से कवर कर देंगे इसको। चारों तरफ से कवर कर लिया है। दूसरा वाला भी इसी तरह का बना लेंगे। तो हम इसे 4-5 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। थोड़ी हमने और 100 ग्राम उतनी चॉकलेट ले ली है। थोड़ी हमें कम लग रही थी तो टोटल हमने 350 ग्राम चॉकलेट लगी है। तो चलिए इसे थोड़ा मेल्ट कर देंगे। इसको हम इसके चारों कॉर्नर को इस तरह से छुरी की मदद से कट कर लेंगे। देखिए इसके हम पहले चारों तरफ से इसके कॉर्नर छुड़ा देंगे इस तरह से। अब ऐसा ही एक और केक बना लेंगे हम। देखिए ये हमारे पिनाटा अच्छे से सेट हो गए। इसके भी हम जो एक्स्ट्रा का कॉर्नर है वो निकाल लेंगे। तो चलिए इसे हम डीमोल्ड कर देंगे तरह से छुरी की मदद से फिनिशिंग दे देंगे। देखिए ये हमारा दूसरा वाला भी सेट हो गया है। इस पर भी हम दूसरी सेकंड वाली लेयर बना देंगे। थोड़ा हमने और चॉकलेट ले लिया है। टोटल हमें 450 ग्राम चॉकलेट लगा है क्योंकि हम केक जो हमने छोटा सा केक बनाया है उस पर भी हम चॉकलेट डालने वाले हैं तो इसलिए हमने थोड़ा और ले लिया है। चलिए आप आपके मोल्ड के हिसाब से चॉकलेट कम ज़्यादा ले सकते हैं। देखिए हमने ये 3 से 4 कलर के डस्ट पाउडर ले लिया है। ये वाइट और वाइट में शाइनिंग वाला और थोड़ा सा सिल्वर शाइनिंग वाला। तो हम इसमें वाइट भी लगाएंगे और थोड़ा सिल्वर और शाइनिंग वाला भी लगाएंगे। तो चलिए ये मोती के कलर वाले को इस पर लगा लेंगे। थोड़ा सा देखिए अब हमारा अच्छे से लग चुका है। अब इसे हम इसको अब सेट कर लेंगे। ये भी लगा देखिए इस तरह से इसको इस पर हम सेट होने के लिए इस तरह से रख देंगे और थोड़ा इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक ड्रॉप ये लाइट ग्रीन वाला कलर डाल रहे हैं। तो हम हल्का सा इस तरह से और एक ड्रॉप रेड वाला डाल देंगे और इसी तरह इस पर डाल देंगे। देखिए ये हमारे होममेड चॉकलेट है। हमने ये घर में बनाया था। इसकी रेसिपी हमने डाल चुके हैं। आप चाहे तो आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। ये सबसे पहले इसमें हम कुछ चॉकलेट रख देंगे। ये जो हमने इस तरह से इस पर क्लिंग फॉइल लगा ली थी हम हमारा केक रखेंगे।
इस पे ऊपर रख देंगे। देखिए इसके कोर पे हम ये चॉकलेट डाल देंगे ताकि हमारा जो है तो अच्छे से चिपक जाए। देखिए हमने इसके चारों तरफ डाल दिया है। देखिए आपको बताते हैं इस तरह घुमाते हुए पैकिंग बैग से हम चॉकलेट लगा देंगे। इसको छुरी की मदद से फिनिशिंग दे देंगे। पाउडर इस पर डस्ट कर देंगे हम, जो पहले हमने नीचे वाले पे लगाया था वही उससे ऊपर भी लगा लेंगे। इस तरह के हमने ये बटरफ्लाई ले लिया है, खाने वाले होते हैं ये, तो इससे भी हम लगाएंगे। देखिए हम इस पे चॉकलेट लगा के ये मोती इस तरह से इस पे तो लीजिए ये हमारा पनाटा केक तैयार है। आप इसे ज़रूर घर में बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं आपका पनाटा केक कैसा बना था। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।